वेन्स वगैरह, ठीक है, जॉइंट्स कैसे बनते हैं। उसने कहा कि जैसे थर्मल कंट्रैक्शन होती है, जैसे चाहे वो सिल है या डाइक है या वॉल्केनिक है, ठीक है, इरप्शन होती है उसकी किसी भी लावा की, तो वो जिस टाइम कूल डाउन हो रहा होता है तो वो थर्मल कंट्रैक्शन की वजह से जो है उसमें कॉलमनर जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, तो वो हेक्सागोनल टाइप के होते हैं। फिर उसके अलावा जो वेन्स हैं, उसने वही कहा जो फिशर्स वगैरह इसके बच जाते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो अनफिल्ड नहीं रहते, उसमें लेटर ऑन जो है हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स वगैरह जाके डंप वगैरह कर देते हैं, ठीक है, तो वो जिससे वो प्लेसर डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी ऊपर वेन की। आज पढ़ते हैं कि उसके अदर एक्सपोजर स्केल जो हैं फैब्रिक, उसमें क्या चीज़ें आ जाते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर में। तो जिस टाइम उसने क्या एक एंशियंट लावा फ्लो को आप सीक आउट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखें, तो फर्स्ट ये है कि जनरल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कि उसकी शेप कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें कहीं पिलो तो नहीं मिले, ठीक है, पिलो लावा जिसको कहा जाता है, पिलो वो तकिए की तरह के होते हैं, तो ये नॉर्मली एसोसिएटेड होता है कि अंडर द वाटर या फिर अंडर द आइस जिस टाइम वो इरप्शन होती है, तो वो सडन कूलिंग की वजह से, क्योंकि दोनों का आपस में जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस इतना है कि उसकी जो टॉप होता है उसके ऊपर ग्लासी स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे येलो क्रस्ट टाइट फ्रेगमेंट, हाँ ये कहते हैं, ठीक है, ये भी इंडिकेटिव है उसके वाटर के साथ, ठीक है। तो वो सडन चिलिंग की वजह से तो उसके ऊपर ग्लासी स्ट्रक्चर आ जाते हैं और राउंड राउंड एक पिलो उसकी शेप में आ जाते हैं। इसके अलावा उसने कहा कि अगर इसका पेपरेटिक टॉप हो तो दिस कैन नॉट बी द लावा फ्लो, इट मस्ट बी ए सिल, ठीक है। पेपराइट का कल हमने पढ़ा था, याद है पेपराइट क्या था? जल्दी जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है आज। वो पेपराइट कमाल है, आप लोग नहीं बूटलेस देख, हाँ एक नज़र देख लिया करें क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा। एक था स्टॉपिंग, ठीक है, स्टॉपिंग ये जो था ये वाला, ठीक है, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग में ये होता है कि जो इग्नियस रॉक है उसके अंदर जो आपके कंट्री रॉक्स हैं वो जो है इनगल्फ हो जाते हैं। सिमिलरली अगर इग्नियस रॉक कोई इंट्रूजन होती है किसी वेट रॉक में तो वो जो है वो फट सा जाता है, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो रबली किस्म की उसकी बेस बन जाती है। तो वही वो कह रहा है कि अगर उसके टॉप है, अब लाजमी बात है लावा का जिस टाइम फ्लो होगा तो उसका टॉप तो सरफेस के साथ, क्या नाम है, एटमोसफेयर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है ना, वो किसी भी वेट चीज के साथ तो नहीं है, तो अगर ऑब्वियसली फिर उसका जो टॉप है वो रबली किस्म का नहीं होगा, ठीक है, उसमें मतलब रबल्स टूट फूट फूट सी जाती है ना, देखते हैं शायद, हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का उसका अगर टॉप है इस तरह का तो इट मींस कि वो सिल है, वो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई वेट रॉक था जिसमें वो इंट्रूड हुई है, तो तब उसका ये बना रबली टॉप है, ठीक है। इसी तरह अगर उसका टॉप जो है वो आपके पास इरोडेड है तो वो ऑब्वियसली वो सिल नहीं होगा, वो लावा फ्लो होगा। फिर फ्लो आर्किटेक्चर इसके देखने हैं आपने कि उसकी फुल थिकनेस आई है या नहीं आई, तो वो इन्फ्लेटेड जो है बाय द सीरीज ऑफ पल्सेस, क्या आपने वो देखना है कि इन्फ्लेटेड कहते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेट जैसा होता है ना हवा भरना, तो जो ये लावा फ्लो के बारे में बात हो रही है, तो वो फ्लो जो है वो आपने ये देखना है कि फुल थिकनेस उसकी आई हुई है कि नहीं आई, या फिर वो इन्फ्लेट हो रहा है बाय सीरीज ऑफ पल्सेस के साथ, मतलब बार बार उसमें जो है इंट्रूजन आ रही है पीछे से उसकी लावा के साथ, ठीक है, ये मैग्मा है, ये वॉल्केनो है, तो ये आपके पास लावा के बेड्स आ रहे हैं, तो ये बार बार जिस टाइम उसमें इन्फ्लेशन हो रही है ये आपने चेक करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप पहोई हुई स्ट्रक्चर टेक्सचर जो है वो उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो होई होई ये होता है कि उसके ऊपर जैसे वो मूव कर रहा होता है बहुत ज्यादा विस्कस होता है, तो विस्कस होने की वजह से उसका जो ऊपर जो बॉडी होती है उसके ऊपर रोप टाइप इस तरह फीचर से बन रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे होई होई टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। या फिर तो वो कहते हैं या तो आपको ये टेक्सचर मिल रहा हो या
या फिर सेवरल मीटर हाई माउंट्स मिल रहे हो, ठीक है, ढेर लगा हुआ, या फिर आपके पास तमूली जो है, तमूली बेसिकली कहते हैं कि एंशियंट एक टर्मिनोलॉजी है उसमें, वो कबर को कहते हैं तमूली ना, तो अगर वो तमूली वाला आपके पास फीचर बना हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, ये इस चीज़ के इंडिकेटिव होते हैं कि वो जो फ्लो था वो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करता रहा है, मतलब वो बार बार उसको इनफिलिंग मिलती रही है, ठीक है, चीज की समझ आई है? ये है, अगर फ्लो इसमें दोबारा इंक्रीज कर रहा है तो वो ये थोड़ा और अपराइज होता जाएगा, ठीक है, जितनी उसको जो है एपिसोड्स ऑफ इरप्शन मिल रही है उसके साथ जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। उसके अलावा आप उसमें वेसल्स देखेंगे, तो वेसल्स जो होती हैं वो बेसिकली जो है वो कह रहा है पॉजेज इन द इन्फ्लेशन ऑफ द फ्लो, वो उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, कि उसमें एवरी जो इन्फ्लेशन हम कह रहे हैं कि हर फ्लो के साथ जो है जो एपिसोड ऑफ फ्लो है उसके साथ उसमें इन्फ्लेशन होती जा रही है, जैसे आप गुब्बारा फुला रहे होते हैं, ठीक है, हर सांस के साथ जो है आप जो फूक उसमें मार रहे होते हैं उसके साथ वो इन्फ्लेट करता जाता है, ठीक है, तो उसको पल्सेस कहते हैं, ठीक है। तो नॉन स्फेरिकल वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स आपको पता है इसके अंदर जो है जिस टाइम ये पायरोक्लास्टिक रॉक्स वगैरह मिलते हैं आपको, या फिर फ्लो के दौरान जो है इसमें जो गैसेस होती हैं वो बीच में एक्युमुलेट हुई होती हैं, ठीक है, तो उन गैसेस के एस्केप की वजह से ये वेसल्स बनती हैं, ये है जैसे, ठीक है, ये जो गैसेस थी बीच में वो जिस टाइम सॉलिडिफाई हो रहा था तो उस टाइम पे ये ट्रैप्ड थी, ठीक है, तो लेटर ऑन जिस टाइम ये स्केप अप हो गई तो ये आपके पास वो वेसल्स बन जाती हैं, ठीक है, जैसे स्पॉन्ज टाइप का नहीं होता, तो वो उसने कहा कि अगर नॉन स्फेरिकल हो, परफेक्ट स्फेरिकल हो, तो इट मींस कि जो है वो उसके ऊपर कोई शीरिंग इफेक्ट नहीं आया, शीरिंग मतलब ये कि उसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह नहीं पड़ा, अगर नॉन स्फेरिकल हो तो वो उसके ऊपर जो है शीरिंग इफेक्ट ड्यूरिंग फ्लो या फिर लेटर फ्लैटनिंग बाद में उसके ऊपर जो है जिस टाइम ओवर बर्डन प्रेशर पड़ रहा था तो वो किसी एक साइड पे फ्लैट हो गया तो उसकी वजह को का इंडिकेटिव होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर वेसल जो है वो ज्यादातर वो कंसंट्रेटेड हो टॉप की तरफ तो ये गुड इंडिकेटिव होता है किसके, लावा फ्लो के, जबकि सिल में ऐसा नहीं होता, क्यों जल्दी जल्दी बोलो यार, ये एक आपको इग्नियस बॉडी मिली और इसकी जो वेसल्स हैं यहाँ टॉप पे कंसंट्रेटेड हैं तो ये लावा फ्लो का इंडिकेटिव होगा। आसिफ आप पढ़े लिखे हैं यार इन सब में, आसिफ आ गए, यस सर, अगर ये टॉप के साथ एसोसिएटेड हों, सारी कंसंट्रेटेड हों ये वेसल, तो ये लावा का इंडिकेटिव क्यों होता है, सिल का क्यों नहीं होता, चलने छोड़ेंगे यहाँ पे आप लोगों को कसम से, ये बेसिकली जिस टाइम फ्लो यहाँ पे पड़ा होगा तो फ्लो की वजह से ऑब्वियसली जो गैसेस होती हैं वो टॉप की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, ठीक है, जहाँ पर से वो एस्केप कर सकें, तो ये सारी की सारी जो यहाँ पे नीचे गैसेस हैं ये सारी टॉप की तरफ मूव करके यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, जबकि सेल में ये टॉप के ऊपर यहाँ पर से तो इसके पास कोई एस्केप ही नहीं है, तो एस्केप के लिए इसको राइट या लेफ्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए जब लावा फ्लो होगा, मतलब अगर कहीं पे आपके पास ये टॉप पे कंसंट्रेटेड होंगे तो ये इंडिकेटिव होता है कि वो लावा फ्लो है, ठीक है, चलिए माइक बंद कर दें, छोड़े चिड़ियों की बात है, तो इसके अलावा उसकी जो मिनरल फिलिंग है वेसल्स में वो लेटर ऑन जो है टर्निंग देम इनटू एमीग्लेट्स, ठीक है, जब इन वेसल्स में मिनरल की फिलिंग हो जाती है तो उसको एमीग्लेट्स कहा जाता है, ठीक है, वो पोस्ट इम्प्लेसमेंट फ्लूइड प्रीलोकेशन को बताते हैं, मतलब ये कि इतने मुश्किल करके उसने यही कहने की कोशिश की कि बाद में जिस टाइम वो फ्लूइड वहाँ पे जो मूव कर रहे होते हैं जिसमें आपके पास हाइड्रोथर्मल फ्लूइड होते हैं तो वो उनमें बेसिकली मिनरल्स होते हैं,
ठीक है, तो वो उनमें डंप करते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी होता है कि लेटर ऑन जिस टाइम ये लावा का फ्लो हो गया, तो उसके बाद जो है वो वहां पे क्या एक्टिविटीज हो रही थी। ठीक, तो ये बेसिकली जो वेसल्स होती हैं लावा में, ठीक है, या वोल्केनिक बॉम्ब्स में, उनके अंदर भी होती हैं, कि ऑब्वियसली जिस टाइम वो जैकुलेट होता है तो वो रास्ते में हवा को इंट्रैप करता जा रहा होता है, वो सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसमें एयर जो है वो अकोमोलेट हो जाती है, तो ये बेसिकली जो है बबल न्यूक्लिएशन को बता रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑब्वियसली जिस टाइम आप वोल्केनो क्लास्ट की बात करें या पायरोक्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो पायरोक्लास्ट वो होते हैं जो अपनी ओरिजिनल जगह से इजेकुलेट होके कहीं और जाके गिरे हों। ठीक है, उसके लिए उनका असेंट वगैरह ये सारी चीजें होती हैं जो वोल्केनिक बम्प्स होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें जो गैसेस या वेसल्स बनती हैं ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बन रही है, ड्यूरिंग असेंट के ऊपर भी जिस टाइम वो ऊपर हवा में जा रहा है। ठीक है, असेंट ये कि वो बुलंदी पकड़ रहा है, ड्यूरिंग स्टोरेज एट द डेप्थ। ठीक है, जिस टाइम वो डेप्थ पे ऑलरेडी इजेकुलेशन से पहले जिस टाइम उसकी स्टोरेज हो रही थी, या फिर कहीं भी जाके जहाँ पे डंप कर रहा है वहां पे उसके ऊपर जो स्टोरेज वगैरह हो रही है। ठीक है, या फिर इजेक्शन के टाइम पे जहाँ जिस टाइम वहां से वो फायर हुआ वेंट में से, या फिर आफ्टर इम्प्लेसमेंट। ठीक है, जब वो डंप हो गया कहीं पे, तो इन सारे स्टेजेस के दरमियान इसमें जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है और उससे वो वेसल्स बनती है। तो वो लावा फ्लो, हमने ये कहा था कि लावा फ्लो अगर थिक होगा तो फिर उसमें कॉलमुलर जॉइंट्स बनेंगे, अगर थिन होंगे तो, कल के लेक्चर में हमने ये कहा था कि थिन होंगे तो उसमें आपके पास कॉलमुलर जॉइंट्स बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या ठीक है वो किसी भी कूलिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं जो कॉलमुलर जॉइंट्स बनते हैं। तो वो उसने कहा कि अगर बहुत थिन हो उसमें कॉलमुलर जॉइंट ना बने तो उसका जो इंटीरियर होता है वो बड़ा मैसिव होता है। ऑब्वियसली वो जिस टाइम टूटेगा नहीं, टूट के डिफरेंट पार्ट्स में नहीं कन्वर्ट हो रहा ऐसे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसका जो इंटीरियर पीछे बच गया ये काफी कंसंट्रेटेड किस्म का होगा। तो सम टाइम वो कह रहा है कि इसकी जो बेस होती है वो रबली हो सकती है, रबली बेस। वो ही कहा कि जब ये किसी वेट सरफेस के ऊपर इम्प्लेस होगा, ठीक है, या वेजिटेशन के ऊपर इम्प्लेस होगा, तो ये जो है इसकी जो सरफ बॉटम है वो रबली हो जाती है, जैसा नहीं हो तवे के ऊपर जो है वो पकने के बाद जो उसकी बेस है वो जल जाती है। ठीक है, समझ आ रही है रबली बेस का? यस सर। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ये जिस टाइम वोल्केनिक इरप्शन हुई तो ये उसका वही अच्छा खासा टेम्परेचर है 1200 या 1000 या 14000 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये कहीं पे जिस टाइम फ्लो आके या बॉम्ब्स भी आके गिरते हैं तो वो तो ये नॉर्मल सरफेस है, मे बी किसी पॉन्ड पे आके लगे तो वो वहां पे पिलो बसाल्ट वगैरह बन जाएंगे, या फिर वो किसी ये सरफेस है इसके अंदर नमी तो होती है ना, ठीक है, जिस पर से प्लांट्स या वेजिटेशन बनते हैं, तो इसके ऊपर जिस टाइम वो आके गिरेगा तो वो मतलब जब फ्लो करेगा तो इसके ऊपर जो है उसकी बेस जो है वो रबली बन जाती है, वो भुरभुरी सी बन जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली वो प्रॉपर इन कॉन्टेक्ट तो नहीं आ सकेगा उसके साथ, वेल्डिंग नहीं हो सकती उसकी। तो होई होई जो एक फीचर है ये इसका इस फ्लो का नाम है, ठीक है, जिसे ए ए फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, ए डैश फ्लो कहा जाता है। ठीक है, ये वाला इसमें ये होता है कि जिस टाइम ये मूव कर रहा होता है स्लोली, तो इसके ऊपर जो है ना इसकी जो सरफेस होती है इसके ऊपर रोप्स टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहा है तो इसके ऊपर इतना रोप्स ही बन रही होती है, क्योंकि ये फर्दर आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो एक तो ये क्योंकि विस्कस बहुत होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो फ्लो होता है उसमें ये पैटर्न सा बनता जा रहा होता है। ठीक है, रोप्स वगैरह का तो अगर पैटर्न वो बन रहा हो तो उसे पहोई होई पैटर्न कहते हैं। ठीक है,
तो वो इसके अलावा उसने कहा कि अगर कोई थिन फ्लो हो बहुत पतला सा तो वो से अनलाइकली टू पास फ्रॉम सब एक्वस और सब एरियल जो है उस कंडीशन में से वो नहीं मूव कर सकता। बहुत ही अगर पतला तो वो ऑब्वियसली वो पानी जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो पानी को वेपरेट नहीं कर सकता, उसे मतलब वहां से क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल है, तो इसलिए वो जो है वो सारे का सारा जो है वो पिलोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट में है कि चिलिंग एंड चिल्ड मार्जिन। तो जितनी भी डाइक्स होती हैं या सिल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये नॉर्मली जो होता है ये लो शेलो डेप्थ पे होती हैं, ठीक है। तो शेलो डेप्थ पे होने की वजह से इनका और कंट्री रॉक का जिसमें ये इंट्रूड कर रहे हैं इसमें इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से उनके जो मार्जिन्स होते हैं उनके ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट आ जाता है, जो जिसको चिलिंग चिल्ड मार्जिन भी कहा जाता है, ठीक है। वो ये है कि एक हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जिस टाइम आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से उसमें डिफरेंट ग्रेन साइज और डिफरेंट बैंड साइज जो कलर्स होते हैं वो बन जाता है, तो उस जोन को चिल जोन कहा जाता है, ठीक है। तो जिस टाइम आप किसी डाइक वगैरह को देख रहे होते हैं तो डाइक और कंट्री रॉक का जो आपस में कांटेक्ट होता है वहां पे आप ग्रेन साइज में भी वेरिएशन देखेंगे, ग्रेन साइज छोटे होंगे, ठीक है। ग्रेन साइज छोटे क्यों होंगे, क्योंकि उसको कूल डाउन होने के लिए इतना टाइम नहीं लग रहा होता, ठीक है। जितना वो लेट कूल डाउन होगा उतना उसके चांसेस ये होते हैं कि वो जो क्रिस्टल होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं अपने फुल साइज तक, ठीक है। क्रिस्टल के ग्रो होने के लिए एक तो उसका जो कूलिंग टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडली वहां पे स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे हम बात इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं तो वो इंट्रूसिव रॉक्स में आपके पास स्पेस का इशू होता है, इसलिए वहां पे जो क्रिस्टल होते हैं वो बार दफा फुली ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस नहीं होगी तो वो उसमें मजीद जो है एक्युमुलेट नहीं हो सकते। लेकिन उनके पास टेम्परेचर का इश्यू नहीं होता, वहां पे सडन चिलिंग नहीं हो रही थी। सरफेस पे ये है कि आपके पास चिलिंग वो ज्यादा जल्दी हो रहे होते हैं लेकिन स्पेस का इश्यू नहीं होता, ठीक। तो ये जो मार्जिन्स होते हैं यहाँ पे आपको क्रेन्स का साइज की वेरिएशन दिखाई देगी। तो यूजली उसने ये कहा कि जो इफेक्ट ऑफ चिलिंग है इट एक्सटेंड इनवर्ड नो मोर देन सेंटीमीटर और टू। तो जो चिलिंग मार्जिन होते हैं इसकी थिकनेस उसने ये कहा कि 1 या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। तो उसने कहा जो वेरी एज है, जो मतलब टेलीस्कोप बनाने की कोशिश करते हैं स्टेज पे मार्जिन ही नहीं, ये फॉर एग्जांपल डाइक है और ये आपके पास कंट्री रॉक आ गया, तो इसका ये जो पोर्शन है ये आपके पास चिल मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे आपके पास कोर्सर ग्रेन्स होंगे और यहाँ पे आपके पास फाइनर ग्रेन होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो वेरी कॉन्टेक्ट है, जो ये रेड वाली लाइन है जो ग्रीन और ये रेड के दरमियान है, यहाँ पे आपके पास ग्लासी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप कूलिंग हुई है। सरफेस का टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा, लेकिन अब इसका आप कंपेयर करें कि एक बॉडी है जो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड की है उसके लिए ये जो है ये इंतहाई कोल्ड है, ठीक है, एटमोसफेयर का टेम्परेचर। तो वो उसने कहा कि यहाँ पे एक तो आपको ग्लासी एज मिलेगा वेरी एज पे, ठीक है, ग्लासी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। सेकेंडली वहां पे लैकिंग ऑफ ग्राउंड मास क्रिस्टल्स ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के आपको ग्राउंड मास नहीं मिलेगा। ग्राउंड मास का आपको पता है, याद है, ग्राउंड मास वो एक छोटा छोटा मटेरियल होता है जिसके अंदर फर्दर जो है वो आपका कोई भी सेडिमेंट जो है वो इनगल्फ होता है, ठीक है। अ कॉम्पैक्ट फाइनर ग्रेन मटेरियल इन विच द क्रिस्टल्स आर एम्बेडेड, ठीक है।
उसको ग्राउंड मास कहते हैं, समझ आई? जैसा ईंटों की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ईंटें जो है वो लारेंसपुर की रेत और के अंदर जो है एम्बेडेड होती हैं दीवार में किसी में भी, तो जो लारेंसपुर की रेत है वो ग्राउंड मास है, जो ईंटें हैं वो आपके जो है वो क्रिस्टल वगैरह है। तो वही उसने कहा यहाँ पे तो मार्जिन पे तो बिल्कुल आपको मिलते ही नहीं है, उसके फर्दर आप किसी भी साइड पे अवे मूव करेंगे तो कॉन्टैक्ट के तो वो आपको जो है वो लार्जर साइज के आपके पास ग्राउंड मास क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। उसके अलावा उसने कहा कि मीटर से या किलोमीटर के फासले पे अगर आप चिल मार्जिन देखना चाहें तो चिल मार्जिन के जो मेन आइडेंटिफिकेशन है वो उसके कलर की है, ठीक है? तो जितना मार्जिन के करीब आते जाएंगे उसके जो कलर है वो डार्कर होता जाएगा। नीचे उसने एक एग्जांपल दी हुई है बेसाल्टिक रॉक की कि उसके जो चिल मार्जिन जो है वो ग्रे कलर की होता है, ठीक है, इंटीरियर की साइड पे जितना जो है वो कॉन्टैक्ट के करीब करीब जाता जा रहा है ग्लासी कॉन्टैक्ट के करीब, तो वो ग्रे से अनवर्ट जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है, ग्लासी कॉन्टैक्ट पे। तो ये उसने एग्जांपल दी है कि जैसे हम आप किसी डाइक या सेल वगैरह को देखेंगे तो उनका जो कॉन्टैक्ट पोर्शन होता है तो वहां पे आपके पास चिल मार्जिन को जो है आप कलर की आइडेंटिफिकेशन से भी मार्क कर सकते हैं। तो वो उसने कहा चिल मार्जिन जो है कैन अफेक्ट ओनली द ग्राउंड मास क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, वो बाइंडिंग मटेरियल होता है, तो उसको जो है ये मोर इफेक्ट करता है। तो अगर एक मैग्मा में फिनोक्रिस्ट, ठीक है, फिनोक्रिस्ट कैसे कहते हैं जो लार्जर साइज के क्रिस्टल्स होते हैं वो हो तो सम ऑफ दीज में अकर इन अ चिल्ड मार्जिन सराउंडेड बाय द ग्लास, ठीक है, तो मेजर इफेक्ट जो होता है वो आपके ग्राउंड मास के ऊपर हो रहा होता है, वही जो है या तो डिफ्यूज हो जाएगा या वो ग्लासी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट में ये ग्रीन वाले पोर्शन में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ये बड़े मजे की बात बता रहा है कि अगर आपको इंट्रूसिव कोई कॉन्टैक्ट है उसके अंदर आपको चिलिंग मार्जिन ही नहीं मिल रहे तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। तो वेदर द इंट्रूजन वाज इम्प्लेस्ड इन अ मश, मश मतलब ये कि ऑलरेडी जो था वो इतना सॉलिडिफाई फॉर्म नहीं था उसमें इंट्रूजन हुई है, मश जो कहते हैं वो जैसा नहीं होता पोटैटो मैश वगैरह, ठीक है, तो वो या तो उसमें हुई है या फिर डेप्थ पे हुई है जहाँ पे जो कंट्री रॉक था और इसका जो इंट्रूसिव रॉक था इन दोनों के टेम्परेचर में कोई खास फर्क नहीं था तो एक दूसरे को जो है वो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म की वजह से अल्टर नहीं कर सके तो तब वहां पे चिलिंग मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ आई इसकी? तो उसके अलावा उसने ये कहा कि सेम ही अगर कंपोजिशन के रॉक के अंदर वो इंट्रूड करता है, ठीक है, मतलब अगर बेसाल्टिक एक डिपॉजिट था उसके अंदर दोबारा इंट्रूजन बेसाल्टिक की हुई है तो ये जो चिलिंग मार्जिन होते हैं ये दो फ्लोज के दरमियान, ठीक है, ए डेटिंग का हेल्प आउट करते हैं इन चिलिंग मार्जिन की वजह से ही क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म में जो फ्लो गया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फर्स्ट फ्लो जो है ये आपके पास फर्स्ट फ्लो आ गया, सेकंड फ्लो भी आपके पास यही है सेम कंपोजिशन का, थर्ड भी आपके पास ये आ रहा है, तो लेटर ऑन जिस टाइम आप देखेंगे तो ये आपस में वेल्ड अप हुए होते हैं, तो वेल्ड अप होने की वजह से ये एक इसका फ्लो जो है इसके जो बेड होता है, ठीक है, वोल्केनोलॉजी में उसको फ्लो कहा जाता है, वरना स्ट्रेटिग्राफी में आप जो है इसको बेड्स वगैरह कह रहे होते हैं, ठीक है, ये भी एक एपिसोड ऑफ डेपोजिशन बता रहा होता है, जो बेड होता है वो भी एक एपिसोड ऑफ डेपोजिशन बता रहा होता है। तो इनके जो आपस में मार्जिन है ना उन मार्जिन के ऊपर अगर चिल मार्जिन ना हो यहाँ पे बाउंड्रीज पे अगर चिल मार्जिन ना मिल रहे हो आपको तो इनको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक फ्लो को दूसरे फ्लो से। सेकेंडली ये है कि ये चिल मार्जिन की वजह से ये फिर आपके पास लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ये आप इनको एजिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी कर सकते हैं आप इसकी।
उसके अलावा उसने कहा वो डॉग जो चिल हुआ है विल बी यंगर देन द डॉग इट चिल अगेंस्ट. ठीक है, तो जिसके अंदर चिलिंग इफेक्ट आपको मिलेगा वो यंगर है. तो अगर चिलिंग इफेक्ट आपको इसके अंदर मिल रहा है क्योंकि ये गर्म है, ये ठंडा है आपके पास, ठीक है, कोल्ड ये हॉट, तो जो चिलिंग मार्जिन है वो आपको इंट्रूसिव बॉडी में ही हमेशा मिलेगा, कंट्री रॉक में नहीं मिलता. समझ आई? जिसमें इंट्रूड कर रहा है ये ओल्डर होगा, और जिसमें आपके पास इंट्रूजन आ रही है मतलब जिसमें चिल मार्जिन आ रहे हैं वो यंगर होगा, ये याद रखिएगा. प्रॉब्लम यहां तक समझ आई है? यस सर. उसके अलावा जो है उसने कहा कि इसमें ग्रेजुअल चेंजेस वगैरह आ रही होती हैं, ठीक है, उसमें कलर में, ग्रेन साइज में, ठीक है, तो ये आप उसे स्टडी कर सकते हैं जिस टाइम आप चिल मार्जिन वगैरह पे जाएं. उसके अलावा उसने कहा कि प्लूटॉन्स के अंदर जो है एक्सेप्शनल केसेस में चिल मार्जिन आपको मिलते हैं, बट दे आर कॉमनली कॉन्टेक्ट बिटवीन द बैचेज ऑफ मैग्मा दैट हैड स्लाइटली डिफरेंट कंपोजिशन. तो वही मैंने कहा प्लूटॉन ये है कि जो सब सरफेस में इंट्रूजन है वो अगर एक सेम डेप्थ पे हो रही है तो उनमें चिल मार्जिन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर डिफरेंट कंपोजिशन के हैं तो फिर उनकी आपस में चिल मार्जिन होगा. अगर सेम ही कंपोजिशन है, सेम ही ऑलमोस्ट डेप्थ है, तो वो चिल मार्जिन वो एक दूसरे को इतना अल्टर ही नहीं करेंगे. ठीक यस सर. 12:05 हो गए. नेक्स्ट में ये है कि पायरोक्लास्टिक रॉक्स वो हैं जो वॉल्केनिक क्लास्ट के साथ आते हैं, जो वॉल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो फ्लाई ऑफ हो गए, जो फ्रेगमेंटेड हो, ठीक है. ये जो वर्ड है पायरोक्लास्ट, ठीक है, पायरो जिसको कहते हैं, ठीक है, ये वॉल्केनिक क्लास के साथ एसोसिएटेड है. इसका मतलब ये है कि एक चीज टूटे और उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट हो बाय एनी एजेंट, ठीक है, तो उसको पायरोक्लास्ट कहते हैं. तो पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट के लिए उसने कहा कि इसके लिए चंद चीजें मस्ट हैं. उसमें ये है कि ये फ्रेगमेंटेड हो मतलब टूटे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेड हो एज अ पार्ट ऑफ इरप्टिव प्रोसेस, ठीक है. तो ये उसकी मस्ट कंडीशन है कि वो पहले फ्रेगमेंटेड हो, टूटे, और उसके बाद जो है वो फ्लाई ऑफ हो. तो उसने कहा कि अ फॉल डिपॉजिट फ्रॉम वोल्केनो काउंट्स एज पायरोक्लास्ट अनलेस इट हैज बीन रिवर्क्ड बाय द विंड और द वाटर. तो कोई भी जो फ्लाई ऑफ हो के आएगा, जो वॉल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह होंगे उसके वेंट में से वो जो निकल रहे हैं वॉल्केनो के, उसे पायरोक्लास्ट कहा जाता है. अनलेस उसे आप वो पड़े पड़े उसके ऊपर लेटर ऑन जो है वो विंड या वाटर जो है उसके ऊपर अल्ट्रेशन ना कर दे. तो फ्रेगमेंट्स जो उसने कहा जो स्पैटर होते हैं फ्रॉम अराउंड द वेंट, वेंट तो आपको पता है ना जो उसका वॉल्केनिक नेक होता है उसको वेंट कहा जाता है, पता है ना इसका. ये आपके पास वॉल्केनो है, ये इसका वॉल्केनिक पाइप है आपके पास, ये उसको वेंट कहा जाता है, ठीक है. तो वो फ्रेगमेंट जो उसके अराउंड से मतलब स्पैटर होते हैं, स्पैटर का मतलब ये है कि थ्रो ऑफ होते हैं, ठीक है, तो वो जैसे ही आके जमीन पे गिरते हैं तो क्योंकि वो सेमी मोल्टन फॉर्म में होते हैं हीट वगैरह और प्रेशर की वजह से, तो वो जैसे गोबर की थापियां नहीं होती, देखी होगी आपने किसी गांव वगैरह में, तो उसकी तरह आके वो इम्प्लेस होते हैं जमीन पे, ठीक. तो वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं. वेल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि सेमी मोल्टन फॉर्म में है और वो जो है हाई टेम्परेचर में, मोल्टन फॉर्म होने के लिए टेम्परेचर उनका ज्यादा होगा, तो वो आपस में जो है वो वेल्ड अप हो जाते हैं. तो उनकी इंटेग्रिटी जो है वो लूज कर जाते हैं, ठीक है.
ये याद रखिएगा, अब वो फ्लाई ऑफ हो रहे हैं और वो कहीं पे डंप हो रहे हैं, तो डंप होने के बाद अगर वो सेमी मॉल्टन फॉर्म में है तो उनकी सिंगुलैरिटी जो होती है, इंटेग्रिटी, वो लूज कर जाते हैं. इसके बजाय अगर वहाँ पे स्कोरिया है, स्कोरिया इसकी ऐसी टाइप को कहते हैं जो फ्लाई ऑफ होने से पहले सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है, ऑलमोस्ट सॉलिडिफाइड फॉर्म में, तो इसलिए वो जिस टाइम आके गिरते हैं तो वो अपना जो इंटेग्रिटी होती है, ठीक है, उसको प्रिजर्व रखते हैं. इस चीज की समझ आई? इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है वेंट एग्लूमरेट. वेंट एग्लूमरेट कहते हैं जैसा कंग्लूमरेट वगैरह होते हैं ना वो आपके पास, उसके ये वेंट एग्लूमरेट है. इसमें आपके पास डिफरेंट साइजेस की कंपोजिशन मिल रही होती है. तो ये वहां पे जिस टाइम इजेक्शन से पहले इसके अंदर आपके पास ऐश भी मिलेगी या फिर आपके पास फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जो ऐश कोटेड होंगे, ठीक है, या फिर लावा होगा, या फिर ये तीनों चीजों का मिक्सचर भी हो सकता है. और इसके अलावा जो है वो अदर रॉक टाइप्स जिसमें कंट्री रॉक भी हो सकता है और इग्नियस रॉक भी हो सकता है, उसके ब्लॉक्स बीच में टूट के पड़े हुए, तो उसको कहा जाता है वेंट एग्लूमरेट. यस सर. ठीक है, ये मतलब जिस टाइम पे इस वेंट को वो क्लियर आउट कर रहा होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे सॉलिडिफाइड था, तो वो कभी ब्लॉक्स वगैरह में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एशेज वगैरह है, ये सारी चीजों का जो मिक्सचर है ना जो लेटर ऑन थ्रो आउट हो जाएगा, उसको वेंट एग्लूमरेट कहा जाता है. तो अगर रॉक जो है उसमें ज्यादातर टफ हो, टफ कहा जाता है वॉल्केनिक ऐश को, अगर आपने किसी वॉल्केनिक की इरप्शन वगैरह देखी हो तो उसमें जो है वो छाई टाइप की जो है वो ऐश वगैरह ब्लैक कलर की उड़ी होती है, ठीक है, तो रेगुलेशन के साथ, तो उस वॉल्केनिक ऐश का ज्यादातर डिपॉजिट हो तो उसको आप ट्रीट करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की तरह, ठीक है, जिस तरह सेडिमेंट्री रॉक की आप देखते होते हैं उसकी स्ट्रक्चर, उसकी लिथोलॉजी वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उसी कैटेगरी में आप इसको स्टडी करेंगे, उसकी फीचर्स वगैरह को, ठीक, मतलब उसका ग्रेन साइज, उसकी लेयरिंग वगैरह, ये सारी चीजें. अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एंशियंट आपके पास फाइन ग्रेन ऐश डिपॉजिट पड़े हों सी फ्लोर पे, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो होते हैं मेरीन मड स्टोन की तरह के ही दिखाई दे रहे होते हैं और उनके अंदर लैमिनेशंस भी होती हैं और उसके अलावा जो है उनमें फॉसिल्स की मौजूदगी भी हो सकती है, तो उनको डिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल है. अगर तो उनके फ्रेश पीसेस वगैरह आपको मिलते हैं तो उसमें कलर वेरिएशंस आपको मिलेंगी, उसके अलावा सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. मैंने म्यूट नहीं किया, आप में से किसी ने शरारत की है, और आज जो है वो लेक्चर ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी शरारतें मत करें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको अटेंडी में कन्वर्ट करता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लेक्चर है. तो कहाँ तक सुना था ये फायर, ये इसका का पड़ा आवाज आ गई थी. हेलो टफ तक सर, वोल्केनिक टफ तक सुना था सर. हाँ वोल्केनिक टफ तक हो गया था. उसके बाद ये है कि अगर फाइन ग्रेन ऐश डिपॉजिट्स हो जो कि मेरीन में, अगर आपके अंडर द सी फ्लोर आपको सी फ्लोर के ऊपर जो है आपको उनके डिपॉजिट मिल रहे हों, तो इन्हें उसने कहा कि आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है. उसकी वजह यह है कि इसमें फाइन लेयरिंग भी होती है, आपके पास लेमिनेशन वगैरह भी मिल रही होती हैं, ठीक है, उसके अलावा इसमें फॉसिल्स भी मिल रहे होते हैं, तो इसको आप कन्फ्यूज कर सकते हैं कि मेरीन के मड स्टोन के साथ. तो इसको जिस टाइम आपने स्टडी करना है तो या तो उसके फ्रेश रॉक्स वगैरह सैंपल देखेंगे तो उसमें कलर वेरिएशंस आपको मिलेंगी, अगर वो नहीं है तो एट द लीस्ट आपको जो है जो फुल डिटेल मिलेंगी वो उसकी जियो केमिस्ट्री के साथ और थिन सेक्शंस के साथ होगा.
तो इसके अलावा प्रॉक्सिमल फॉल्ट डिपॉजिट, प्रॉक्सिमल कहते हैं जो किसी के सेंटर में से आ रहा हो, ठीक है, इस वेंट के जो सेंटर है उसमें से जो आपके पास फॉल आ रहा है, ठीक है, उसमें एक्रीशनरी लिपेली भी कहा जाता है, एक एक्रीशनरी लिपेली भी इंक्लूड होता है। ये फ्यू मिलीमीटर्स के होते हैं, तो फ्यू मिलीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर के होते हैं। ये बड़ी प्यारी चीज़ होती है, मेरा बड़ा फेवरेट है ये। ये जैसे आपके पास ये स्फेरिकल फॉर्म में मिल रहे हैं ना, यहाँ पे ठीक है, ये होता क्या है कि जिस टाइम ऐश वगैरह फिजा में हैंगिंग फॉर्म में होती है, तो वो चूंकि फिजा में नमी होती है, तो उस नमी के गिर्द जो है ये अपने आप को न्यूक्लियाइज करने पड़ जाते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कोई वाटर का ड्रॉपलेट है, ये ब्लू कलर में हम वाटर ड्रॉपलेट करते हैं, ठीक है, ब्लैक में जो है हम इसके गिर्द ऐश जो है वो इसके गिर्द आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियाइज होती जा रही होती है, तो ये लेटर ऑन डंप होते हैं नीचे, तो ये आपके पास एक छोटे छोटे ये इस तरह सर्कल्स में होते हैं, ठीक है, तो ये छोटे छोटे आपके पास एक क्लास के तौर पे आप कह सकते हैं इनको, ठीक है, सेडिमेंट के तौर पे आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन जब इनकी आप लेबोरेटरी में एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में अगर जिस टाइम आप इन्हें क्रॉस कट करते हैं, तो इसमें ऑनियंस की तरह आपके वो लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। तो सेंटर में वाटर बॉडी थी, वाटर बॉडी के गिर जो है ये अपने आप को सर्कुलेट करते करते जितना मतलब करीब की होती है वो जो ऐश वगैरह फिजा में उड़ी होती है, ठीक है, उसके गिर न्यूक्लाई होती जा रही होती है, समझ आई। तो प्रॉक्सिमल फॉल्ट डिपॉजिट में ये भी आता है कि वो जो आपके पास वॉल्केनिक वेंट में से इरप्शन हो रही है, ठीक। इसके अलावा उसने कहा कि फॉल डिपॉजिट जो होते हैं, चूंकि वो फिजा में बुलंद होते हैं, उसके बाद जो है उसमें सिग्निफिकेंट ग्रेन साइज वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। तो उसने यही कहा कि जैसे ही आप डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो वो आपको एक सेडिमेंट्री लेयर के तौर पे दिखाई देगी, लेकिन उसके अलावा जैसे ही आप करीब में जाते हैं, तो आपको वेल सॉर्टेड मिलते हैं, ठीक है। जब फिजा में होगी तो वो फिर ऑब्वियसली उसकी ग्रेविटी के ऊपर उसकी सॉर्टिंग होगी, जितना हैवियर होगा वो पहले डिपॉजिट होगा, जितना लाइटर होगा वो लेटर ऑन, और जितना फाइनर होगा वो आस्ता आस्ता उसके ऊपर सेटल होगा, तो उनकी जो सॉर्टिंग हुई होती है। अब इसमें ये है कि इसमें जो क्लास साइज होता है, क्लास कहते हैं ग्रेन को, तो जो ग्रेन साइज है वो काफी बड़ा होता है, जिस टाइम आप करीब जाके उसे स्टडी करेंगे, तो वो जो है आपको पता लग जाएगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं है बल्कि वॉल्केनिक रॉक है। इसके अलावा उसने कहा कि पायरोक्लास्टिक जो फ्लो डिपॉजिट है, उसके अंदर आपके पास क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन के भी चांसेस है कि वो आपको मिले। उसके अलावा जो है उसके साइजेस में और उसकी कंपोजिशन ऑफ द क्लास में भी वेरिएशन आ सकती है। क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन के आगे पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन इसमें कैसे होती है। तो ग्रेन साइज वेरिएशन जो इसमें चीजें आप नोट करेंगे, तो फर्स्ट में आ जाता है आपके पास ग्रेन साइज वेरिएशन। ग्रेन साइज वही हमने आपको कहा कि नीचे आपके पास कोर्सर मिलेंगे, उसके ऊपर फाइन अप होते जा रहे होंगे, ठीक है, एक डिस्क्रीट सेपरेट एक्सप्लोसिव एडप्शन को आप जिस टाइम देखेंगे, एक एपिसोड को देखेंगे, तो वो अगर वेल सॉर्टेड है तो वो इस चीज को इंडिकेटिव है कि वो एक सेपरेट हुई है और एक कंप्लीट इरप्शन हुई है, ठीक है, इस चीज की समझ आई। इस टाइम ये मटेरियल फजा में है, तो ये ऑब्वियसली जितना हैवी होगा वो पहले डंप होगा, उसके बाद लाइटर, उसके ऊपर लाइटर, और फिर एंड में फाइनल ग्रेन जो है, तो ये आपके पास इस तरह वेल सॉर्टेड होगा सारा, ठीक। लेकिन अगर आपको ऐसा केस मिलता है कि आप ग्रेन साइज कोर्सनिंग अपवर्ड एंड देन डिक्रीजिंग अगेन, विच मे हैपन रिपीटेडली, यू मे सस्पेक्ट टू अ सस्टेन्ड इरप्शन। तो अगर ऐसा हो कि आपके पास ग्रेन साइज जो है वो ऊपर वाली ऊपर जो है वो कोर्स अप होते जा रहे हो, उसके बाद जो है फिर वो फाइन में आगे कन्वर्ट होते जाए, ठीक है, ये फाइन है,
उसके ऊपर जो है आपके पास कोर्सर आ रहे हैं, उसके ऊपर फिर फाइनर आ रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंट एपिसोड्स ऑफ इरप्शन बताएगा। इरप्शन में उस पर इस तरह है कि उसके पीक फॉर्म में गया, पीक फॉर्म में गया उसकी मतलब हाई इरप्शन हुई, उसके बाद जो है उसको वैक्सिंग कहते हैं, ठीक है, जिस टाइम उसकी पीक फॉर्म आई और उसके बाद जो है वो वेंड आउट हो गया, ठीक है। तो ये एक इरप्शन की एपिसोड को बता रहा है कि अगर उसमें आपको वो डिपॉजिट वहां पे मिल रहा है कि जो ऊपर आप देख रहे हैं, तो टॉप वाली साइड पे कोर्स अप हो रहा है, फिर उसके बाद जो है फाइनल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर रिपीटेड फॉर्म में आपके पास कोर्स में आ रहा है, तो फाइनल में आ रहा है। तो ये उसका बता रहा है कि वो उसकी जो पावर थी जिस टाइम वो इरप्शन हुई थी, तो वो पहले जो है इंक्रीज की, फिर वो डिक्रीज की, ठीक है, एक वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिलता है तो आप उसके सैंपल्स वगैरह ले लें। तो नेचर ऑफ द क्लॉस ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होती है। प्यूमिस, प्यूमिस उसी को बताया जाता है कि जो हमने कहा कि जब उसमें से वो जो गैसेस होती हैं वो एस्केप कर जाएं, तो उसको प्यूमिस कहा जाता है, ठीक है। तो अगर वेल्डेड डिपॉजिट हो, ऑब्वियसली जिस टाइम वो आके वहां पे डंप हुए, जिस टाइम 7.8 में बताया गया है, तो इसमें अगर इग्निम्ब्राइट है जो कि आपका ये वॉल्केनिक ही सेडिमेंट्री रॉक होता है, वॉल्केनिक रॉक होता ना, प्लास्टिक रॉक, उसको इग्निम्ब्राइट कहा जाता है। तो वो जिस टाइम, या फिर प्यूमस वगैरह है, जो प्यूमस जो स्पॉन्ज की शेप में हमने कहा कि स्पॉन्ज की शेप में मिल रहा है, तो वो जिस टाइम डिपॉजिट हुआ, तो अगर वो स्टिल हॉट है तो वो आपस में वेल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है, स्क्वैश हो जाते हैं, जैसा नहीं होता चिपक जब इनको में कहते हैं, फिस जाते हैं, ठीक है, उर्दू में नहीं बता, ठीक है, तो वो स्क्वैश अप हो जाते हैं, तो उनको स्क्वैश्ड अप जो प्यूमस होता है उसे फियामी कहा जाता है। उसके बजाय जो लिथिक्स हैं वो अपनी जो है शेप मेंटेन रखते हैं, ठीक है, जो लिथिक्स हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं जिस टाइम वो आके डंप हो रहे होते हैं, ये सारे वॉल्केनिक बम्प्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्यूमस है, प्यूमस ऑब्वियसली एक तो सेमी मॉल्टन फॉर्म में होता है और दूसरा वो स्पॉन्ज होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो होल्स होते हैं, वो जैसे ही माँ की ऑब्वियसली एक हाइट से आके नीचे गिरेगा तो वो डी शेप हो जाता है, स्क्वैश हो जाता है, जैसे आप किसी वाटरमेलन को जमीन पे फेंकते हैं तो वो स्क्वैश हो जाता है, ठीक है। तो जो स्क्वैश्ड प्यूमस होता है उसको कहा जाता है फियामी, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी। तो इसके अलावा उसने कहा ये जो पायरोक्लास्टिक फ्लोज होते हैं, इसमें आप जो कि लो डेंसिटी के हों, जिसे सर्ज डिपॉजिट भी कहते हैं, उसमें चांसेस है कि आपके पास जो है क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन भी मिले। ये है जैसे क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन होती क्यों है, इसमें आपके पास जो है क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली उसके अंदर जो स्टीम वगैरह होती है ना, स्टीम भाप, उसकी स्केप की वजह से, या फिर दूसरी जो है हॉट गैसेस की स्केप की वजह से, आपने शायद वो देखा हो लोहा जिस टाइम गर्म हुआ होता है, ठीक है, तो वो एक आपके पास जिस टाइम वो स्केप कर रहे होते हैं तो इस तरह ऊपर एक नुक्कर सी बना जाते हैं, ठीक है, तो वो जो बेसिकली इसके अंदर जो इनफिलिंग हुई होती है गैसेस की या फिर स्टीम की, उसकी वजह से इसके जो किनारे होते हैं वो इतना स्ट्रेट नहीं रहते, क्योंकि हाईली बॉइलिंग फॉर्म में है, तो वो इसको इस तरह ऊपर की तरफ इसकी एजेस वगैरह कर देते हैं, अगर वो इस साइड से स्केप कर रहा है तो इस साइड पे एजेस जो है उसके अपराइज कर देंगे, तो इनकी वजह से ये जो क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन है, ये देखें ये बल्जअप हुआ है यहाँ से, ये आप ये देखें ये जो शेप है ना, तो ये यहाँ पर से स्वेलिंग हुई है, उसके अलावा ये जो आपके पास सुराख है, ठीक है, ये उनकी एस्केप्ड गैसेस का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है।
उसके अलावा इसमें फ्लो बैंडिंग भी हो सकती है. बैंडिंग ये कि माइक्रोस्कोपिक फ्लो बैंडिंग है इसमें आपको मिल सकती है कि जिस टाइम डाउन हिल को क्रीप कर रहा होगा तो उसके अंदर पायरोक्लास्टिक में क्रीप आफ्टर वेल्डिंग बिगेंस इन अ हॉट पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट में जिस टाइम एक डाउन हिल वो मूव कर रहा होगा, मतलब एक स्लोप के अलावा मूव कर रहा है, तो उसके अंदर जो है वो obviously first इस तरह है, तो ये फिर secondly वो इस तरह move कर रहा होता है. अगर आप कोई इसके बाद देखिएगा YouTube पे एक lava flow की एक video कोई देख लीजिएगा, उसमें ये देखेंगे ये पानी की तरह इस तरह नहीं move कर रहा होता, ये इसके ऊपर जो है ये इस तरह further ऊपर जिस तरह tank की chain होती है ना, tank की chain की तरह ये ऊपर से इस तरह सिर्फ ऊपर की body जो है वो move कर रही होती है, अंदर से straight जा रहा होता है. ऊपर की इसकी जो surface है उसमें इस तरह रिंकल्स वगैरह से आ रहे होते हैं, अंदर से वो स्ट्रेट जा रहा होता है. ठीक है, ये आज एक आपके लिए छोटा सा टास्क है कि इसके बाद जो है आप इसको देख लीजिएगा लाजमी एक कोई एक वीडियो इसकी वोल्केनिक फ्लो की. उसके अलावा इसके जो है आपस में रिलेशनशिप आपने देखना है कि ऐश का और लार्जर फ्रेगमेंट का आपस में क्या रिलेशन वगैरह है, उसके मैट्रिक्स कौन से है. ठीक है, तो आया जो है वो आपके पास ब्लॉक एंड ऐश फ्लो है या कौन सा. उसके अलावा अनदर डिस्क्रिमिनेटर बिटवीन फॉल्ट डिपॉजिट एंड पायरोक्लास्टिक फ्लो इज दैट कि जो फॉल्ट डिपॉजिट, मतलब ये कि इन दोनों में फर्क है, आपको कैसे पता लगेगा कि आया ये जो डिपॉजिट है ये फ्लो का है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होके थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट होके आके गिरा है. उसकी वजह ये है कि जो फॉल्ट डिपॉजिट्स होते हैं वो सिंपली टोपोग्राफी को मांटल करते हैं. मांटल का मतलब ये है कि क्लोक अप करना, ठीक है, कवर अप करना, जैसे आपके कपड़े हैं उन्होंने आपके बॉडी को मांटल किया हुआ है. ठीक है, तो ये इंग्लिश की एक टर्मिनोलॉजी है कि वो बेसिकली जिस टाइम आके उसके ऊपर गिरते हैं तो वो ऊपर जैसे थापियां जी नहीं गिर रही होती तो ऊपर वो स्क्रैप के तौर के ऊपर पड़े होते हैं, जबकि जो पायरोक्लास्टिक फ्लोस होते हैं वो थिकर होते हैं. ठीक है, और वो इंटायरली या फिर मोस्टली जो कन्फाइंड होते हैं वो वैलीज के साथ होते हैं. ठीक, ये आपके पास वॉल्केनो आ गया, तो जो फ्लो होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर वैली है तो यहीं पे आके कम्युलेट हो जाएगा, जबकि आपके पास जो पायरोक्लास्टिक हैं वो दूर दूर तक आके गिर सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर नीचे इसे सिंपली उसे कवर अप किया होता है.